डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आज सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित हैं। उनकी गलती शायद सिर्फ इतनी थी कि वो अपने 4 सालों के कार्यकाल के दौरान बिग टेक कंपनियों को सही सबक नहीं सिखा पाए। अगर वो समय रहते ही ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों के पर कुतर देते तो शायद उनके खिलाफ ट्विटर कोई कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचता। खैर, ये तो बात हुई अमेरिका की। अब ट्विटर भारत में भी कुछ ऐसा ही करने की फिराक में है। जिस प्रकार से ट्विटर पिछले कुछ समय से जानबूझकर भारत सरकार को उकसा रहा है, यह मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। भारत सरकार को एक्शन लेने की सख्त आवश्यकता है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत रडक आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों भारत में बिग टेक कंपनियों पर अब कार्रवाई करने का सही समय आ गया है। पिछले कुछ दिनों में कुछ बातें स्पष्ट हुई हैं। एक तो यह है कि कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरी यह है कि एक लिबरल दूसरे लिबरल को बचाने के लिए सिर्फ एक इशारे पर अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने पैरों तले रौंदने को भी तैयार रहता है। हम बात कर रहे हैं ट्विटर और कांग्रेस की मिलीभगत की। आपको पता ही होगा कि टूलकिट कांड में भी कांग्रेस को ट्विटर से भरपूर समर्थन हासिल हुआ है। अब समय आ चुका है कि भाजपा सरकार ट्विटर को उसकी औकात बताए और यह भी संदेश दे कि उसके लिए राष्ट्रहित से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन अब ट्विटर ने ऐसा क्या किया? दरअसल कुछ दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक डॉक्यूमेंट देश के साथ साझा किया जिसमें कांग्रेस की नीच मानसिकता का कच्चा चिट्ठा मौजूद था। इस टूलकिट ने पूरी तरह उजागर किया कि कैसे कांग्रेस वुहान वायरस की आड़ में देश को बर्बाद करने पर तुली हुई थी। यह टूलकिट जब सामने आई तो जाहिर था कि कांग्रेस को यह पसंद नहीं आया। कांग्रेस की एक शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने तुरंत इसे मैनिपुलेटेड मीडिया यानी भ्रामक मीडिया की श्रेणी में डाल दिया। इतना ही नहीं, 5 अन्य नेताओं के ट्वीट्स को भी ट्विटर इंडिया ने इसी श्रेणी में डाल दिया है। लेकिन केंद्र सरकार ने भी इस अपमान को हल्के में नहीं लिया है। ट्विटर की हेकड़ी को आड़े हाथों लेते हुए मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि ट्विटर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनने का प्रयास ना करे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने अपने रुख को कड़ा करते हुए कहा है कि मामले की जांच के दौरान ट्विटर अपना फैसला नहीं सुना सकता है। ट्विटर द्वारा इस तरह का कंटेंट मॉडरेशन उसकी इंटरमीडियरी के रूप में स्थिति पर सवालिया निशान लगाता है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि ट्विटर की कार्रवाई पूर्वाग्रही और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जांच को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है। लेकिन संबित पात्रा के ट्वीट से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटाना तो दूर की बात, ट्विटर ने उल्टे 5 अन्य नेताओं के ट्वीट्स पर भी वही टैग लगा दिया। ऐसे में अब इतना तो स्पष्ट है कि भारत को सिर्फ लताड़ लगाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा बल्कि कुछ सख्त एक्शन भी लेने होंगे। चूंकि भारत ने टिकटॉक जैसे प्रभावशाली ऐप्स को ऐसे समय में लात मार के भगाया जब चीन के विरुद्ध एक्शन लेने में बड़े से बड़े देशों के हाथ कांप रहे थे, इसलिए ट्विटर को उसकी औकात बताना कोई कठिन काम नहीं है। पिछले कुछ समय से ट्विटर के रुख पर नजर डाली जाए तो यह समझ में आएगा कि यह बिग टेक कंपनी भारत में कुछ बड़ा करने की फिराक में है। कृषि कानून के विरोध में की गई हिंसा के समय में भी ट्विटर का यही रुख देखने को मिला था। सरकार ने फेक न्यूज फैलाते कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया तो ट्विटर ने कुछ घंटों के बाद ही उन अकाउंट्स को वापस रिस्टोर कर दिया। इतना ही नहीं, उल्टा ट्विटर ने सरकार को ही देश का कानून पढ़ाना शुरू कर दिया। TFI की चीफ एडिटर शुभांगी शर्मा ने भी यही बात सामने रखी है। उनके ट्वीट के अनुसार पिछले कुछ समय से ट्विटर जानबूझकर भारत सरकार को उकसा रहा है। यह मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। जो दिखाई दे रहा है एजेंडा उससे कहीं बड़ा है। सरकार को जल्द से जल्द इसके तह तक जाना चाहिए इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए। इसी ट्वीट के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, लेकिन आप भी हमें कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि क्या आपको भी यही लगता है कि ट्विटर पर अब कुछ सख्त कार्रवाई करने का समय आ गया है। भारत में हम वो इसे नहीं करने देंगे जो ट्विटर ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया। समय अब एक्शन का है।